नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राम मंदिर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। राम मंदिर के लिए एक तरफ जहां चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि मंदिर बनना कब से शुरू होगा, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, अयोध्या के मंदिर परिसर में क्या चल रहा है, कब मंदिर के लिए नींव खोदी जाएगी। राम भक्तों के लिए ये सवाल नहीं है, ये कौतूहल है कि कब हम अपने आराध्य को देखेंगे, कब विश्व का सबसे भव्य मंदिर तैयार होगा। तो आपको बता दें, राम मंदिर के नींव खुदाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में क्यों देरी हो रही है, इसकी वजह सामने आ गई है। अयोध्या में सरयू नदी के करीब राम मंदिर निर्माण स्थल के नीचे पानी की मौजूदगी कारण मंदिर निर्माण के नींव में डिजाइन को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विश्वास जताया है कि जल्द ही मंदिर के बुनियाद के डिजाइन के काम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। यहां बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए देश भर की अभियान चलाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राम मंदिर के डिजाइन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जितनी प्रामाणिकता के साथ वैज्ञानिकों ने अपना काम किया है, उसके कारण पूरी दुनिया में भारत के इंजीनियरिंग ब्रेन को स्वीकार करेगी। वो कहते हैं कि मंदिर निर्माण शुरू करने से पहले भूमिगत परीक्षण करने से 7 महीने का समय अवश्य लगेगा, फिर भी मंदिर निर्माण के मौलिक समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे में फरवरी 2021 से मंदिर निर्माण में 29 महीने का समय लगेगा। वो कहते हैं कि मैनुअल कार्य होना है, इसलिए 2-4% इधर उधर समय में हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। उनका मानना है कि अगस्त तक न्यू निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, फिर मूल मंदिर का काम स्टार्ट होगा। आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।